मैं अमित पालीवाल स्वागत करता हूं आज के हमारे शो में। दोस्तों आज हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, इंडस्ट्री में आए वो बदलाव जिनसे अब बीमा बेचना आसान हो गया है। यस, इंश्योरेंस बेचना अब आसान हो गया है अगर आप उस नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से आज मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा, उन चेंजेस को अडॉप्ट कैसे करूं, मैं मेरी बिजनेस प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस लाऊं कि वो जो इंश्योरेंस अब बिक रहा है नए तरीके से उसे मैं बेच पाऊं जैसे दुनिया बेच रही है। और तीसरा और लास्ट, 6 सेल्स स्ट्रेटेजी 6 सेल्स पिच जिसका अगर मैं इस्तेमाल करूं तो क्लाइंट मुझे कंफर्म अपॉइंटमेंट देगा। अगर आप नॉर्मल एजेंट है तो आप MDRT कर पाएंगे, और अगर आप एक MDRT एजेंट है तो मैं गारंटी देता हूं आप TOT कर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बदलाव की। दो तरह के बदलाव, एक वो बदलाव जो इंडस्ट्री में हुए हैं और दूसरे वो बदलाव जो मुझे मेरे जीवन में करने होंगे, मेरी बिजनेस प्रैक्टिस में करने होंगे ताकि मैं बिजनेस कर पाऊँ, बदलते दौर में बिजनेस कर पाऊँ, MDRT कर पाऊँ, और अगर ऑलरेडी MDRT है तो सीधा TOT कर पाऊँ। अभी देखो जो इंडस्ट्री में 6 बड़े बदलाव हुए हैं मैं वो बताऊंगा, और हर बदलाव के आगे एक सेल्स स्ट्रेटेजी, एक टेलीकॉलिंग पिच बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आपको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अभी देखो कस्टमर का माइंडसेट चेंज हो गया है। पहले मुझे उसे घंटों लग जाते थे समझाने में कि सर इंडस्ट्री के अंदर इंश्योरेंस कराना चाहिए, लाइफ में अनसर्टेंसी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता था। लेकिन पिछले 4 महीने में उसने सब कुछ होते देख लिया। आज वो एक्सेप्ट करता उसकी लाइफ में रिस्क है। आज ही इज मेंटली रेडी टू टेक गुड क्वालिटी हाई इंश्योरेंस, जो पहले नहीं मानता था मेरी बात, सिर्फ टैक्स सेविंग के नाम पे ही बीमा कराता था, लेकिन आज वो बड़ी कीमत का बीमा कराने को तैयार है क्योंकि उसने अपनी सामने पिछले 40 दिन में लाशें जलती देखी हैं, अपने सगे संबंधियों की, अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की। आज वो तैयार है इस बात को समझने के लिए कि रिस्क है, और केवल लाइफ इंश्योरेंस का ही नहीं, उसको ये मालूम है धंधा कभी भी मंदा हो सकता है, नौकरी कभी भी जा सकती है, कोरोना ने सबको सिखा दिया कभी भी कुछ भी बदल सकता है, वी मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर, हमें एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए। ऊपर से पॉलिसी बाजार का गाना सुन रहा है वो। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक फोन कॉल करना है। इंडस्ट्री बदली, कोरोना आया, लोग परेशान हुए, अब मेरी टेलीकॉलिंग सेल्स पिच कुछ इस तरह की होगी। हेलो सर, मैं अमित पालीवाल बोल रहा हूँ। देखिए सर, लाइफ में अनसर्टेंसी बहुत बढ़ गई है, मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता हूँ कि अब आप एक टर्म प्लान करा लो। बस आपको इतना बोलना और कुछ नहीं बोलना, और ये बात आपको केवल 10 लोगों को बोलनी है। मैं गारंटी देता हूँ आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। 100 लोगों को फ़ोन करोगे आपको 10 अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। अभी आप बोलोगे साहब मैं तो टर्म प्लान बेचना नहीं चाहता। किसने बोला? अपॉइंटमेंट तो लो भैया, जो ट्रेंडिंग होता है उसके नाम पे क्लाइंट अपॉइंटमेंट दे देता है। बाद में बेचना ना वहाँ जा करके कुछ भी प्रूव करना, कभी सामने से फ़ोन तो करो, जब आप वहाँ जाओगे तो दूसरा प्रोडक्ट पिच करना, फोन तो करो। और देखो आपका कस्टमर पॉलिसी बाजार का गाना सुन रहा है पिछले कुछ दिनों से कि 30 रुपए रोज में 1 करोड़ का बीमा, आप भी गाओ ना वही गाना। जब अपॉइंटमेंट मिल जाए वहां जाके क्रॉस सेलिंग करना। अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा टर्म प्लान का सच, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एंडोमेंट पॉलिसी में अगर राइडर लगा दिए जाए तो टर्म प्लान से बेहतर हो जाता है। आप ये प्रोडक्ट क्लाइंट को समझाइए, इस वीडियो में देखिए, इफ जाके क्लाइंट को ये समझा दो, आपका काम हो जाएगा। नाउ ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और ऊपर ये आई बटन में आ रहा है, आप देख सकते हैं। अभी दूसरी स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्री में एक और बदलाव आया है। बहुत सारी फैक्ट्रियां, दुकानें, ऑफिस परमानेंट क्लोज हो गए हैं। कंपनियों ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस परमानेंटली क्लोज कर दिए, हमेशा के लिए ताला लग गया, जॉब लॉस हो रही है, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कुछ लोगों की जानी है और उन्हें मालूम है कि मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है, शायद 1-2 महीने के नोटिस पीरियड पे चल रहे हैं। ऐसे लोगों को हम अप्रोच करेंगे मेडिक्लेम के नाम पे। और देखो कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, कोई भरोसा नहीं किस दिन कंपनी मेडिक्लेम की फैसिलिटी बंद कर दे, कॉस्ट कटिंग के नाम पे करना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं आप स्विच ओवर करके जब नई कंपनी में जाएंगे वहां पे आपको मेडिक्लेम की फैसिलिटी मिले या नहीं मिले। आप क्लाइंट को अप्रोच कीजिए कि सर अनसर्टेंसी बहुत बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही है, बेहतर आप अपना एक पर्सनल फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी करा लीजिए। कंपनी के मेडिक्लेम के भरोसे अब नहीं रह सकते। आपके सामने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होंगे जो कंपनी के भरोसे बैठे थे, आज उनकी नौकरी चली गई, अब आप बोलेंगे उनके पास पैसा नहीं है, वो भी सामने से बोलेगा भाई नौकरी चली गई पैसा नहीं, तो उसको बोलो ना सर आज आपके पास 15,000 प्रीमियम भरने का पैसा नहीं है, कल को भगवान ना करे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो 5 लाख का बिल कौन भरेगा, बेहतर है सेपरेट मेडिक्लेम कराओ। तो इंडस्ट्री बदली, लोगों की नौकरियां गई, अनसर्टेंसी बढ़ी, एक नई पिच हमारे पास आ गई, वो है मेडिक्लेम की पिच। अब वो बोलेगा मेरा पर्सनल मेडिक्लेम पहले से है,
कोई बात नहीं सर, आप डे केयर प्लान ले लो जीवन आरोग्य जैसा, आपके बिल उस मेडिक्लेम से पास हो जाएंगे, मैं आपको पर डे का 10,000 देने की बात कर रहा हूँ। आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की बात करो कि सर जब क्रिटिकल इलनेस होती है ना तो खर्चे बहुत सारे आते हैं जो पॉलिसी में आधे कवर होते हैं आधे नहीं होते, आप अपना बिल वहां पास कराना, किडनी फेलियर हो गया, बाईपास सर्जरी की नौबत आ गई, मैं आपको कंसोलिडेटेड 10,00,000 रुपए दे दूंगा, इलाज कराओ नहीं कराओ जहां मर्जी कराओ आयुर्वेदा में कराओ ये आपको मिल जाएगा। आप इस तरह का प्रोडक्ट भी पिच कर सकते हैं। अब ये मैंने दो अपॉर्चुनिटी बता दी, अभी तीसरी सेलिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कोरोना। देखो आज से पहले कोरोना शब्द नहीं था, कोरोना हम पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं और 1 महीना पहले कोरोना कवच कोरोना रक्षक पॉलिसी लॉन्च हो गई। आप कस्टमर को फोन करो कि सर मुझे आपको कोरोना कवच पॉलिसी देनी है, आपके मेडिक्लेम में बहुत सारी चीजें कवरेज में नहीं आती हैं, तो मैं आपको कोरोना पॉलिसी दूंगा। कोरोना पॉलिसी में हमें रेवेन्यू नहीं मिल रही, अरे भैया लेकिन अपॉइंटमेंट तो मिल रहा है, एक बार अपॉइंटमेंट तो लो कोरोना के नाम का, जब घर पहुंचो चाइल्ड प्लान भी बेचना, पेंशन प्लान भी बेचना, क्योंकि आज चाइल्ड प्लान, पेंशन प्लान, म्यूचुअल फंड, SIP, इसके नाम पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ट्रेंडिंग टॉपिक कोरोना है, कोरोना के नाम पे फोन कीजिए, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, वहां जाके क्रॉस सेलिंग कीजिए। तो मैंने आपको 3 सेल्स पिच बता दी और तीनों ट्रेंडिंग सेल्स पिच है। और देखो आप नहीं बोलोगे तो कोई और बोलेगा, आपका मेरा कस्टमर पिछले 5 महीने से पॉलिसी बाजार का गाना हर 5 मिनट के बाद टीवी पे सुन रहा है, सोशल मीडिया पे ऐड देख रहा है, यूट्यूब पे ऐड चल रही है, वो तो उनको बता रहे हैं कि 1 करोड़ की पॉलिसी 30 रुपए रोज। आप नहीं बताओगे तो नहीं बेच पाओगे, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखाएगा वो बेच पाएगा। आप बैठे रह जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, उठो बदलो, इंडस्ट्री बदल गई आप भी बदलो, आप बदलेंगे तो बिजनेस आपको वापस से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सच में MDRT COT TOT करना है तो आपको ये बदलाव स्वीकार करने पड़ेंगे। दोस्तों अभी तो मैंने आपको सिर्फ 3 सेल्स पिच बताई हैं, एक टर्म प्लान सेल्स पिच, एक मेडिक्लेम सेल्स पिच, एक कोरोना वाला सेल्स पिच। अभी 3 सेल्स पिच में और बताऊंगा इंडस्ट्री के 3 बदलाव, उनके अकॉर्डिंग 3 नई सेल्स पिच, और लास्ट वाली सेल्स पिच तो ऐसी है जो शायद आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। 100, 200, 500, 1000 कोई लिमिट नहीं, आप इतने क्लाइंट बना सकते हैं। तो चलिए आगे के टॉपिक देखते हैं। 3 सेल्स पिच, अब मैं अगली 3 सेल्स पिच की बात करता हूं। इजी लोन, देखो नौकरी वालों को तो जैसे तैसे उनका गुजारा चल गया, अभी आप बिजनेसमैन की देखो जिसकी दुकानदारी थी, 4 महीने से दुकान बंद पड़ी है, दुकान खुलने के बाद भी ग्राहक नहीं आ रहा, उसका कैसे घर चल रहा होगा, आज उसे लोन चाहिए, बैंक उसे लोन दे नहीं रहे, ऐसे में आपने उसकी जो पॉलिसियां की हैं, उसको जो म्यूचुअल फंड्स दिए हैं उसके नाम पे आप उसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी दिलाइए। देखो जख्म पे मरहम लगाओ ना, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आप कस्टमर को सामने से फोन कीजिए कि सर आपने जो हमसे बिजनेस दिया है हमें इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का, इतने रुपए का लोन अवेलेबल है, आप बोलो तो मैं कल आके लोन की फॉर्मेलिटी पूरी करा देता हूँ, फट से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा चुटकियों में, जाओ 3 लाख 5 लाख 7 लाख का लोन दिलाओ और उसी में से पॉलिसी का चेक मांग लेना। कुछ तो करो, डिफरेंट सेल्स पिच अडॉप्ट तो करो। अब देखो ये थी 4th सेल्स पिच, मंदी का दौर आया, हमने मंदी के नाम पे पैसा मांगने की बजाय पैसा देना शुरू कर दिया, उसी में से मेरे को एक चेक मिल जाएगा, इसे कहते हैं क्रॉस सेलिंग, मौका भुनाओ क्रॉस सेलिंग करो। अब 5th सेल्स पिच की बात करते हैं। देखो इस लॉकडाउन में इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, लोन अगेंस्ट पॉलिसी, ये सब आप मुझसे पहले से जानते थे, क्लाइंट भी जानता था, एक नई चीज निकल के आई है इस लॉकडाउन के दौरान। कुछ लोगों के घर में ऐसी हालत हो गई लॉकडाउन के चलते, आमदनी आनी बिल्कुल बंद हो गई कि बच्चों की गुल्लक तक तोड़नी पड़ी इस लॉकडाउन में घर का खर्च चलाने के लिए। ऐसे लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो, अरे हमारी खुद की हालत टाइट हुई है ना एक मौके पे, ऐसे में आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स के लिए। आपने हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बेचे हैं, लॉन्ग टर्म LIC 10 साल 15 साल की पॉलिसी, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, जिसको आज की डेट में निकलवाने जाओ तो शायद लॉस मेकिंग पिक्चर हो क्योंकि वहां भी वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनती है। शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट पिच कीजिए, सर भगवान न करे ऐसा दौर दोबारा आए तो अपने पास कुछ ऐसा लिक्विड प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे मैं विड्रॉ करके मेरा घर चला सकूं, मेरा काम चला सकूं, 6-8 महीना खर्चा चल सके। उसके लिए आप SBI गोल्ड और LIC बैंकिंग PSU फंड देख सकते हैं, इन दोनों की डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये दोनों सेफ इन्वेस्टमेंट है, इनमें शेयर मार्केट का रिस्क नहीं है, सोने जैसा रिटर्न मिलता है, और नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, कोई लॉक इन नहीं है, 1,000 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं और जब मर्जी एग्जिट। आप ये प्रोडक्ट अपने कस्टमर को पिच कर सकते हैं, ये ऊपर डिटेल आ गई। अब लास्ट में 6th और आखिरी सेल्स पिच की बात करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स पिच है आने वाले 3 महीने का, ब्रेड बटर और यू समझ लीजिए कि सब कुछ है, 1,000, 2,000, 5,000 क्लाइंट आपके बन जाएंगे, वो सेल्स पिच है LIC IPO।
इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, ये भर भर के माल बिकेगा, हर घर में एलआईसी की पॉलिसी है। ऐसे में आपको अभी से अगर कस्टमर को अप्रोच करेंगे तो कस्टमर वो आईपीओ आपके थ्रू लेगा। केवल 3 दिन के लिए आईपीओ खुलता है, फील्डिंग आपको अभी से लगानी पड़ेगी, लोगों के डीमेट खुलवाने पड़ेंगे क्योंकि बिना डीमेट के नहीं मिलता। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी है, ऊपर आई बटन में आ गया, पूरा कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है एलआईसी आईपीओ कैसे बेचे, इसे जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा। ये एक बड़ी सेल्स पिच है जो आपको पैसा बना के दे सकती है, क्योंकि हर घर में पॉलिसी है सर इंडिया में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, चाहे गांव का छोटा घर हो चाहे शहर का बड़ा बंगला हो। तो ये 6 सेल्स पिच मैंने आपको बताई, 6 चीजें जो बदली, एलआईसी आईपीओ बदलाव है जो आना है उसकी भी सेल्स पिच बता दी। अभी देखो इंडिया में काम करने का तरीका बदल गया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो गया, अब लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, अब उनकी इंटरनेट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है, आज वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा समय बिता पा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग करते, क्यों नहीं ऑनलाइन मीटिंग करते, क्यों नहीं जूम सेशन करते, कीजिए जूम सेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, जिन लोगों ने हमारे साथ जूम मीटिंग्स की हैं, अपने क्लाइंट के सेशन कराए, उन सबको फायदा हुआ है। जूम सेशन करके ऑन एन एवरेज 3 गुना 4 गुना बिजनेस लोगों का बढ़ गया है। ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया सेलिंग कैसे करें, ये डिटेल मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया है। जिन लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग की है उनका बिजनेस ग्रो किया है, यहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे 3 times हायर रिजल्ट आता है जूम मीटिंग करने से। और ये तो चलो ठीक है जूम मीटिंग थी, इससे भी एडवांस एक मार्केटिंग है, वो है वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग करो ना भाई, आपने क्लाइंट को फोन किया प्रोडक्ट समझाने के लिए, वो बिजी, आपका फोन नहीं उठाता, आपने जूम सेशन रखा उस दिन उसका कोई और कमिटमेंट है, आपका जूम सेशन भी अटेंड नहीं करता, आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाओ जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के क्लाइंट को भेजो, जब फुर्सत होगी देख लेगा, उसको यूट्यूब चैनल पे डालो, धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपको यूट्यूब से भी पैसा आने लगेगा। अभी यूट्यूब पे कैसे मार्केटिंग करते हैं उसकी भी पूरी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, यूट्यूब से कैसे बेचें, आप इसे रेफर कर सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक आ गया। अभी देखो चीजों को बदलना पड़ेगा, आपको फिजिकल से डिजिटल होना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे दौड़ में, दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। फेसबुक से एलआईसी कैसे बेचें, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अपनी स्ट्रेटेजीज को बदलिए, ऑनलाइन आइए, और अभी आप मेरे को एक कमिटमेंट दीजिए, मुझे आपसे केवल 2 घंटे चाहिए, अपने बेडरूम में बैठे बैठे मुझे 2 घंटे दीजिए, इस 2 घंटे में आपको 60 फोन कॉल करने, जो 6 strategies 6 selling pitch मैंने आपको बताई, 10-10 customer को ये 6 strategies के लिए 60 फोन कॉल अगर आप करेंगे, अगर आपको 5 appointment मिल गए, आपका 1 insurance policy भी बिक गया, तो YouTube के इस चैनल पे आकर मेरे को बताना हमारे चैनल पे कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिले तो भी आना और बताना, तो हम स्वीकार करेंगे हमारी गलती कि हम आपको गलत सिखाते हैं। और आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको लग रहा है कि जो 6 बातें मैंने आपको बताई, इन 6 बातों में दम है, इनसे धंधा निकलेगा, तो अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्त आज के वीडियो में इतना ही, 6 strategy एक बार फिर से आपके सामने है, रेस्ट अप टू यू, थैंक यू वेरी मच, आपका दोस्त अमित पालीवाल।